The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Inches ka hair thinning, hair fall. इनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम आप इस विंटर में फेस कर रहे हैं देन आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा हेयर मास्क शेयर करने जा रही हूँ जिसमें कोई भी स्मेल नहीं है। इसमें हमने एग नहीं मिलाया है, अनियन नहीं यूज किया है, गार्लिक, अदरक कुछ भी यूज नहीं किया है और ये मेथी और हिबिस्कस के मास्क की तरह क्लमजी भी नहीं है, एलोवेरा की तरह स्टिकी भी नहीं है, लेकिन ये हेयर मास्क उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मैं आपको बता दूं, ये हेयर मास्क एलोपेशिया के जो पेशेंट्स हैं, उन्हें भी रिकमेंड किया जाता है ताकि उनके जो बाल हैं वो फिर से लौट आ सके। आज के हेयर मास्क का हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मोरिंगा, जिसे बंगाली में शोजने, हिंदी में मोरिंगा और इंग्लिश में ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। ये जो मोरिंगा है यानी कि ड्रमस्टिक का जो पूरा पेड़ है उसके जड़ से लेके उसका कांड, उसके पत्ते, उसके फूल, उसके फल सभी आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मोरिंगा के जो फूल होते हैं वो इस टाइम पे खाने के लिए भी रेकमेंड किया जाता है क्योंकि वो फ्लावर्स हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडी बनाता है पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसी कोई बीमारी आपको ना आ सके। इतना ही नहीं, मोरिंगा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कोरोना टाइम में डॉक्टर ने मोरिंगा को बहुत ज्यादा रिकमेंड किया था कि मोरिंगा आपके ब्लड को डिटॉक्स करता है, उसके साथ साथ इम्यूनिटी भी देता है। इसलिए मोरिंगा का सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन ही नहीं, मोरिंगा का खाना भी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप छोटे शहर या गांव में रहते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। आपके घर से निकलते कहीं ना कहीं आपको मोरिंगा का पौधा दिख जाएगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो नर्सरी से आप एक मोरिंगा का पौधा लेके घर पे लगा सकते हैं और आपको थोड़े से ही पत्ते की जरूरत होती है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं फिर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम अभी बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं। ऑनलाइन आपको अच्छे वाले मोरिंगा के पत्ते के जो पाउडर होते हैं, मोरिंगा पाउडर जिसे हम कहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। मेरे पसंदीदा कुछ ब्रांड्स के लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। जो चीज खाने से ही इतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है, टॉपिकल एप्लीकेशन करने से आपको कितना सारा बेनिफिट मिलेगा। मोरिंगा में होता है आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, जो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। और इतना ही नहीं, मोरिंगा में रिच अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड एंड फॉलिक एसिड होता है जो आपके रूट्स को स्ट्रेंथ करते हैं और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। इतना ही नहीं, मोरिंगा में होता है बायोटिन जो आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको पता होगा हेयर की कोई भी बीमारी आपको हो डॉक्टर हमेशा आपको बायोटिन की सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं, इसीलिए मोरिंगा का जो सेवन है वो भी आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आपके बॉडी में बायोटिन की कमी को पूरा करता है जिससे आपके हेयर ग्रोथ बूस्ट होता है, आपका हेयर फॉल कंट्रोल में आता है। नहीं नहीं, जो आपके डैमेज हेयर फॉलिकल्स है ना उनमें भी मोरिंगा नया जीवन दान करता है, इसलिए मोरिंगा का एप्लीकेशन आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए आप देख लेते हैं मोरिंगा के इस हेयर मास्क को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं देन सब्सक्राइब करना जरूर कंसिडर कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक मेरे लिए बहुत महत्व रखता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस रेमेडी को अगर यूज करते हैं आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा वो भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए हैंडफुल ऑफ मोरिंगा लीव्स। आप एक बोल में मोरिंगा के पत्तों को अलग कर लेना। मोरिंगा के पत्ते का जो मोटा हिस्सा होता है आप उसे फेंक दीजिएगा। इसके पत्तों को और छोटे छोटे जो कांड होते हैं हम उसे ही यूज करेंगे। पहले हम इसे अच्छे से धो लेंगे। आपको 4 से 5 बार प्लेन वाटर से इसे अच्छे से वॉश कर लेना है क्योंकि कभी कभार कोई विषाक्त कीट पतंग इसमें बैठ के अपना जहर छोड़ सकते हैं, इसीलिए अच्छे से इन्हें धोना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे राइस स्टार्च। राइस तो कम या ज्यादा सबके घर में पकता ही है। बंगालीज के घर में तो कभी कभार 3 टाइम भी राइस पकता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में 1 टाइम हर किसी के घर पे राइस जरूर पकता है। और राइस का जो स्टार्च होता है वो आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। चाइना का एक गांव है जहाँ की औरतें 70-80 साल तक उनके बाल बहुत ज्यादा लंबे, काले, घने होते हैं और वो अपने बालों का क्रेडिट सिर्फ राइस वाटर को देती है। राइस वाटर के बारे में मैं आप लोगों के साथ एक दिन विस्तार में जरूर शेयर करूंगी कि कैसे आप इसे अपने स्किन केयर के लिए, बॉडी केयर, हेयर केयर के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन आज फिलहाल हम बात करते हैं इस मास्क के बारे में। तो पत्तों को आपको वॉश करके मिक्सर जार में ले लेना है और उसमें आपको ऐड करना है राइस स्टार्च। पत्तों को ब्लेंड करने के लिए जितना सा आपको स्टार्च का जरूरत हो आप उतना ही यूज कीजिए।
मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर दिया था, इसीलिए मेरा जो मास्क है वो थोड़ा सा रनी बन चुका था। थोड़ा सा कम यूज करना, अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हैं, अच्छे से इसे ब्लेंड करके इसे अच्छे से छान लीजिए और इसका जो जूस है वो एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और स्प्रे वाटर की मदद से आप अपने पूरे स्कैल्प और बालों में से अप्लाई कीजिए। तो मैंने मास्क को अच्छे से मिक्सर में ब्लेंड कर लिया है और हमारा मास्क एकदम रेडी है। अब मैंने इसे बोल में ट्रांसफर कर लिया है और मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल। आप इसमें कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, इसमें आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा हेयर मास्क बन के रेडी हो चुका है। तो ये मेरे बालों की कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हैं और अब मैं इस मास्क को अच्छे से अपने बालों में अप्लाई करूँगी। पहले मैं अपने पूरे स्कैल्प में इसे अप्लाई करूँगी एंड फिर मैं इसे अपने लेंथ पे अप्लाई करूँगी। इसका खुशबू थोड़ा सा कड़वा है लेकिन हमें इसे खाना नहीं है, हमें इसे अच्छे से बालों में अप्लाई कर लेना है। आप देख सकते हैं कैसे मेरे सर से ये टपक रहा है, इसीलिए आप इसमें पानी थोड़ा सा कम यूज़ कीजिए। मैंने एक गलती कर दी, इसीलिए मेरा कपड़ा भी खराब हो गया, पूरे मेरे फेस पे फैल गया है। My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. बाद आप कोई भी शावर के या फिर पॉलिथीन जरूर अप्लाई कर लेना, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा टपकता है। और एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को देना, इस हेयर पैक से रिलेटेड एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, आप जब भी ये मास्क यूज कीजिए कोई भी डार्क कपड़ा पहनिए या फिर ऐसा कोई कपड़ा पहनिए जो आप यूज नहीं करते हैं ज्यादा, क्योंकि इसका जो पानी है वो जब टपकता है वो आपके कपड़ों में दाग छोड़ जाता है। इसीलिए आप कोई ऐसा कपड़ा पहनिए जो आप यूज नहीं करते हैं या फिर कोई डार्क कलर का कपड़ा पहनिए। और इसे अप्लाई करने के बाद आपको 1.5 घंटा इसे ऐसे ही छोड़ना है, 1.5 आवर आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है कि अच्छे से आपका स्कैल्प मोरिंगा का सारा न्यूट्रिशन ले सके। और फिर आप इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, पहले आप नॉर्मल टैप वाटर में अपने बालों को धो लीजिए एंड फिर आप शैम्पू का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक टिप और दूंगी, जब आप शैम्पू करें, आप ये मास्क लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, आप कभी भी जब शैम्पू करें शैम्पू को हमेशा डिसॉल्व करके यूज कीजिए। आप शैम्पू को किसी भी चीज के साथ जैसे एलोवेरा जूस, आंवला जूस, वाटर के साथ डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर राइस स्टार्च के साथ अच्छे से शैम्पू को मिक्स कर लेती हूँ एंड फिर मैं उसे अपने बालों पे यूज करती हूँ। शैम्पू के लिए आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं, क्योंकि शैम्पू का सिर्फ काम होता है आपके स्कैल्प को और आपके बालों को अच्छे से क्लीन कर देना, लेकिन हम माइल्ड शैम्पू यूज करेंगे तो And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. अब बारी है इस रेमेडी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, जो शायद आपके मन में अभी चल रहे होंगे, तो मैं उन्हें क्लियर कर देती हूँ। पहला, कौन कौन इसे यूज कर सकते हैं? लड़का लड़की सब इसे यूज कर सकते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोग भी इसे यूज कर सकते हैं, कम्प्लीटली नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं कहूंगी 5 साल के कम उम्र के बच्चों में आप इसे यूज ना ही करें तो ही बेहतर है। हाँ, यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी नेचुरल चीजें भी आपको इन्फेक्शन या फिर एलर्जी दे सकती है, इसलिए कानों के पीछे थोड़ा सा यूज करके टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम इसे स्टोर कर सकते हैं? मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी आप इसे स्टोर ना ही करें तो ही बेहतर, जब आपको इसे यूज करना है तभी आप इसे बनाइए और यूज कीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हफ्ते में हमें इसे कितनी बार यूज करना है? हफ्ते में आप 1 बार यूज कीजिए और 1 महीने के लिए इसे जरूर यूज कीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि क्या हम इस रेमेडी के साथ साथ दूसरा कोई रेमेडी ट्राई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, हफ्ते में 1 दिन हेयर मास्किंग और 1 दिन हेयर ऑयलिंग के लिए सफिशियंट है। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। वीडियो को छोड़ जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।